शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे संजना के होते हुए अपने पति का प्यार पाना है, अपने पति का दिल जीतना है। इसके लिए मुझे मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। रोहित बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी खुशी को समझाने की। रानी माँ, मैं चाहता हूं कि खुशी को आप सबसे ढेर सारा प्यार मिले, मगर ढेर सारा पैसा नहीं। एक चीज जो बहुत जरूरी है वो आप इस कमरे में देखना भूल गई हैं। मेरी और सौम्य की तस्वीर। एक बात और कहना चाहूंगी, एक शादीशुदा जोड़े के कमरे में पराई औरत का इस तरह के कपड़े पहनकर आना उसे शोभा नहीं देता है। अच्छा होगा कि आप अपनी मर्यादा में रहें। आप गेस्ट रूम में जा सकती हैं। सरप्राइज, मैं तुम्हारे घर जाने वाला था और पता चला तुम यहीं हो। हाँ कम, मेरी याद आ रही थी। मामा ने बुलाया है परी पर नजर रखने के लिए, अब मैं यहीं रहूंगी। हाँ तो ठीक है, यहीं रहो, लेकिन इतनी परेशान क्यों हो? ये तो मुझसे नहीं, जाकर अपनी परी से पूछो। बहुत छूट दे रखी है ना उसे, आज क्या कुछ नहीं कहकर मुझे हमारे तुम्हारे कमरे से निकाल दिया। सौम्य संजना, तुम उसकी बात का परवाह ही क्यों करती? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ बस। आज के बाद तुम उस कमरे में नहीं रहोगे सौम्य, उस परी की अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। संजना, तुम परी को लेकर इतना ओवरिया क्यों करती हो? मैं इस कमरे में रहूँ या कहीं भी रहूँ, रहूंगा तो सिर्फ तुम्हारा। That's the most important thing. I don't care, सौम्य। तुम अपना सामान चाहे स्टडी में शिफ्ट करो या कहीं भी, लेकिन तुम्हें अपना सामान अभी और इसी वक्त शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना मैं इस घर में एक और पल भी नहीं रहूंगी। संजना, तुम क्यों खामखा बातों को बढ़ा रही हो? अगर तुमने शिफ्ट करने से इनकार कर दिया सोनिया, तो बात बढ़ेगी ही नहीं, बिगड़ भी जाएगी। चलो तुम्हारा सामान शिफ्ट करते हैं। बड़ी बातें करती हो ना तुम, पत्नी धर्म, पत्नी का फर्ज,
तो निभाओ, अकेली निभाओ अपना धर्म और अपना फर्ज। अकेली रहो इस कमरे में। अब तुम चाहो तो इन दीवारों से बातें करो या अपना सिर पटको। अपने जीवन साथी के बिना कमरा कैसे लगता है तुम्हें अब पता चलेगा, क्योंकि अब यहां ना सौम्य का सामान होगा और ना सौम्य। संजना, इस कमरे से तुमने सौम्य का सामान तो निकाल दिया है, लेकिन इस दिल से सौम्य को कैसे निकाल पाओगी? रोहित वहां आया था, लेकिन क्यों? रोहित दानिमा और दादू से मिलने क्यों आया था? खुशी बेटा, मुझे भी तो यही बात समझ में नहीं आ रही है, और ना ही तुम्हें पता इस बारे में कुछ। खुशी, हाँ जब रोहित घर में वापस आए तो उससे बात जरूर करना, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बातों बातों में, ओके? क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है रोहित कोई ऐसी बात करने आया था जिसके बारे में ना तो तुम्हें कुछ पता है और ना ही कोई आइडिया है, वरना वो तुम्हें बताता जरूर या फिर साथ जरूर लेके आता। चलो बेटा, मैं फोन रखती हूँ। ओके, परेशान लग रही? हाँ मैम, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने संजना को घर पे लाकर थोड़ी जल्दबाजी की है। ये बात किसी की आंखों में खटके ना खटके, लेकिन ईशाना की आंखों में जरूर खटके भी। लोगों को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, सच या झूठ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईशाना को क्या कहेंगे? वो तो सब कुछ जानती है, काम है, सच जानती है। She knows everything. ईशाना बड़ी मुश्किल से हमारे पास वापस आई है, कहीं संजना की वजह से हमसे दूर ना चली जाए। मैं ईशाना को खोना नहीं चाहता काम। अभय, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल क्यों डर रहा है।
लेकिन संजना को इस घर में लाना मेरे लिए इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि मैं परी के बुलंद हौसलों को पस्त कर देना चाहती थी और उसके लिए संजना को मोहरा बनाने के अलावा मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे हमारी बेटी की चिंता नहीं है? अब है सही वक्त आने से पहले मैं संजना वाली बात इशाना के सामने नहीं आने दूंगी। मुझ पर इतना भरोसा रखो प्लीज। रोहित, इतनी देर लगा दी, कहाँ गया था तू? फोन भी नहीं उठा रहा था। माँ, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, रियली हैड अ लॉन्ग डे। थक गया आज तो मैं। अच्छा ठीक है, अब फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। खाना तो मैं खा के आऊँ, खाना आप और डैड खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। रोहित आप खा लो। देखा इसे, ये समझता कि हम इसे समझते नहीं, बचपन से ही इसकी आदत है, जब भी ज्यादा परेशान होता है ना तो अपनी परेशानी को छुपाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। सुन लेते हैं। मैं तुम्हें आवाज देने ही वाला था कि तुम कैंडल लेकर आ गए। कितना खुशनुमा है सिलसिला। सॉरी क्यों? मैं तो आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, अनजाने में से, लेकिन एक पल के लिए आपने मुझे जो हक, जो अधिकार दिया है, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है। आप यहीं भी सोएंगे? मैं बिस्तर बना देती हूँ। मैं तो बस एक पत्नी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ। ये सिंदूर की डब्बी है, हर रोज आपका चेहरा देखने के बाद ही अपनी मांग भरती हूँ, यही मेरा नियम है और यही मेरा व्रत, इसे मैं यहीं पर रख रही हूँ। हर रोज सुबह मैं आपका चेहरा देखकर अपनी मांग भर लिया करूंगी। बहुत रात हो गई, अब आप सो जाइए। अब क्या कुछ देर के लिए आप हमें अकेला छोड़ेंगे? अनजान लोगों की भीड़ मुझे पसंद नहीं। Thank you.
क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं। रोहित, आज तुम दादू से मिलने गए थे? हाँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी साथ चलती। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दादू से कोई इम्पोर्टेंट बात करने गए थे जो मुझे अपने साथ नहीं लेकर? नहीं नहीं खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मेरी शिकायत करने गए थे? क्यों बच्चों वाली बात करी? मैं भला तुम्हारी शिकायत क्यों करूंगा? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारा प्यार दिन रात बढ़ता रहे। तो फिर रोहित तुम? तब तुम सो जाओ। गुड नाइट। रोहित मुझसे कुछ छिपा रहा है, मेरे सवाल को अवॉइड कर रहा है वो। लेकिन मैं रोहित के घर जाने का कारण उससे पूछूंगी जरूर। तुम्हारे बेडरूम में जाने का वक्त हो गया। क्यों, जाना जरूरी है क्या? यस, जरूरी है। मैंने तुम्हारे पापा से प्रॉमिस किया है कि शादी होने से पहले हम अपने रिश्ते में कोई दाग नहीं लगने देंगे। सो वी विल डू व्हाट इज राइट। तुम्हारे घर में भी यही होता था? तुम अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, यहां भी वही होगा। और वैसे भी हमारी शादी को दिन ही कितने बचे हैं? हमारी शादी में और बहुत सारे दिन बाकी हैं सोनिया। वो भी जल्दी बीत जाएंगे। But you'll have to go to your room now. Old fashion. जब दो दिल एक दूसरे के करीब होते हैं तो बिना कुछ कहे एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं। सौम्य, आपका ये सौम्य रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। संजना से यूं दूरियां बनाकर आप जिस मर्यादा का पालन कर रहे हैं उसे मैं आपकी शराफत ही नहीं बल्कि एक तरह से मुझे अपनाना भी कहूंगी। आपको मेरे दिल ने अपनी चाह तो मान ही लिया था, पर आज के बाद आपको मैंने अपना जीवन मान लिया है। अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगी आपको, ये मेरा वादा है आपसे, खुद से, अपने दिल से और अपनी जान से।